बिहार के गया से शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी मंजू अग्रवाल से हमारे एचबीएन न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहा सुनिए। हमें विधायक दो, मैं जिला बनाऊंगा, लेकिन ये नीतीश निकम्मी सरकार ने वो वादा को पूरा नहीं कर सके। 15 में भी चुनाव आई और 15 के चुनाव में भी जनता ने यहाँ का भारी बहुमत से इन लोगों को जिताया, लेकिन ये निकम्मी सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगी। इन्होंने 15 में भी जीत हासिल करने के बावजूद भी जिला का घोषणा नहीं किए। यहाँ 10 वर्षों से हमारी सरघाटी विधानसभा की जनता सब ठगी ठगी महसूस कर रही है। ये निकम्मी सरकार को हटानी है और नया बिहार बनाना है, युवा सीएम लाना है, तेज तेजस्वी को युवा सीएम बनाना है। हम लोगों ने शपथ ली है, राजद महागठबंधन सभी हम लोग शपथ ले चुके हैं कि परिवर्तन होगा और आने वाले समय में युवा सीएम की बस की चीज़ है, वो जिला अवश्य यहाँ बनाएंगे। और मैं यहाँ से अगर जीत के जाती हूँ, जीतती हूँ, और उम्मीद है कि हमें यहाँ की जनता भारी आशीर्वाद दे के हमें जिता के भेजेगी और मैं जिला के लिए जनता के साथ प्रयासरत रहूँगी और जिला बना के ही चैन लूँगी। तो क्या मतलब भारी बहुमत से जीत के जाएंगे तो विधानसभा में सरघाटी जिला के लिए आवाज़ उठाएंगी? अवश्य जी, मैं उठाऊंगी कि ये पुराना मुद्दा है और इसको जो निकम्मी सरकार ने आज तक जो ठगने का काम किए हैं, इसको हम लोग अवश्य जिला के रूप में आवाज़ उठाएंगे और ये वहाँ तक हम लोग जिला इसको बना के ही चैन लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे एसबीएन से बात करने के लिए।